मुख्तार अंसारी के मामले में बाराबंकी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई एम्बुलेंस मामले से संबंधित अभियुक्तों की तलाशी में बाराबंकी पुलिस तेजी से जुटी हुई थी, जिसके क्रम में आज नगर कोतवाली टीम एवं एसटीएफ ने संयुक्त रूप से 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त मोहम्मद शोएब मुजाहिद व सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जनपद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद क्या जानकारी दे रहे हैं, आई डालते हैं एक नज़र। जनपद बाराबंकी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज 25,000 का इनामिया मोहम्मद शोएब मुजाहिद, जो थाना घोसी जनपद मऊ का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही 25,000 रुपये का दूसरा इनामिया जो सलीम है, पुत्र बदरुद्दीन, निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, वो एसटीएफ और कोतवाली पुलिस के संयुक्त टीम के आधार पर गिरफ्तारी उसकी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकरण में दिनांक 2 अप्रैल को मुकदमा लिखा गया था फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके आधार पर बहुत सारे तथ्य प्रकाश में आए, उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। अभी तक इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अलका राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव और शेषनाथ, ये पूर्व में गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग मोहम्मद शोएब मुजाहिद और सलीम, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, और अन्य लोग जो इसमें शामिल रहे हैं और अन्य जो इसके साथी रहे हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।